हमने सोचा कि अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एन अदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आई एम बैक। तो अब से आप लोगों को मेरे सारे ब्लॉग जो है रेगुलरली मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आज से हम अपना एक सफ़र स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। लेट्स गो, ये निकलते हैं फिर फटाफट से। लेट्स गो। तो जी, हमने स्टॉप किया है बहरा पे और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए और फिर हम आगे का सफ़र स्टार्ट। जनाब, फाइनली हम मरी पहुंचने ही वाले हैं और यहाँ पहुंचते ही मज़ेदार सा वेदर स्टार्ट हो गया और बारिश शुरू हो चुकी है। जब मैं लास्ट ईयर आई थी तब भी कुछ ऐसा ही सीन था और एग्जैक्ट उसी जगह पे आके आज भी बारिश शुरू हुई। और क्या हसीन मौसम है यार, कि मैं क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत इंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे हैं और देखते हैं हम कि हम शाम से पहले पहले आज जो है ये रास्ता कम्प्लीट कर पाते भी हैं या नहीं, या फिर कहीं स्टे करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम चलते जा रहे हैं और जो हमारा स्टॉप है जहां हमने स्टे करना है आज, वो मंजिल हम आपको थोड़ा आगे जाके बताएंगे कि हमने आज कहां तक पहुंचने का इरादा किया है। तो हमारे साथ इस वीडियो में इसी तरीके से जुड़े रहिए और ये मज़ेदार से रास्ते इंजॉय करते हुए जाएं, जैसे कि मैं करती भी जा रही हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को आगे व्लॉग्स में बहुत मज़ा आने वाला है। तो हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिएगा, वीडियो कहीं स्किप नहीं करनी वरना बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो जनाब, जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई है। यस, हम आए हैं आज़ाद कश्मीर में और आज हम स्टे करने वाले हैं मुजफ़्फ़राबाद में। तो सुबह के निकले हुए इतना लंबा सफ़र करने के बाद शाम ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब हम जो है कश्मीर में इंटर हो चुके हैं, हमें मुजफ़्फ़राबाद की तरफ जाना है और हमने कोई होटल नहीं लिया हुआ। जाके देखेंगे करेंगे कि क्या है, कहाँ हमें होटल मिलता है, कैसा होटल मिलता है। हम नज़ारों को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं और अभी भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र जो है मुजफ़्फ़राबाद तक हमारा बाकी है। तो देखते हैं हम कितनी देर में उस सफ़र को तय करके अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। तो हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिएगा। बहुत थक चुके हैं, बहुत 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 ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत थकान हो गई है, बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मज़े ट्रैवल किया जा सके। तो हमने सोचा था कि हम जो है मुजफ़्फ़राबाद में आज स्टे करेंगे और फिर हम कल यहाँ से निकल के आगे की तरफ जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और व्लॉग पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना तो बनता है, ताकि आप लोगों को और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो बआसानी मिल सकें। और अपने प्यारे प्यारे से कॉमेंट्स का इजहार भी कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ जो है वो कैसी लग रही हैं। फ़िलहाल आप नज़ारे चेक करें यार, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। और ये हम मुजफ़्फ़राबाद तक पहुँच गए हैं, काफ़ी टाइम लगा, ज़ाहिर है वीडियो को तोड़ तोड़ कर ही जोड़ रही हूँ। तो ये बड़ी खूबसूरत सी एक यूनिवर्सिटी नज़र आ रही है। तो इंशाल्लाह कुछ ही देर के अंदर हम मुजफ़्फ़राबाद के बिल्कुल अंदर इंटर हो चुके होंगे और हम फिर जल्दी से अपना होटल ढूंढेंगे।
जनाब आप लोगों को वेलकम टू मुजफ़्फ़राबाद का बोर्ड नज़र आ चुका है और हम मुजफ़्फ़राबाद में इंटर हो गए हैं। बहुत ख्वारी करने के बाद हम काफ़ी सारे होटल्स यहाँ पे सर्च कर चुके हैं जो हमें नहीं मिले। फ़र्स्ट हम रुके, हमने ATM यूज़ किया, सिम में लोड करवाया, पैकेज किया क्योंकि नेट वेट कुछ भी नहीं चल रहा था। तो फाइनली हम इस ब्रिज पे पहुँचे हैं। तो जल्दी से कमेंट में बताएं इस ब्रिज को कहते क्या हैं, फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रहा। तो हम अभी आगे की तरफ गामजन हैं, हम आगे जाके देखेंगे कि और हमें कहाँ पे और कौन से अच्छे होटल जो हैं वो मिल सकते हैं या मिलते हैं। फ़िलहाल हम सिर्फ ख्वार होने, ये हमारा थर्ड चक्कर है जो इसी ब्रिज पे से हम होके वापस जा रहे हैं, बट दिस इज़ अ लाइफ। तो हमने पहले बुक नहीं किया, ये हमारी बहुत बड़ी। आपको दिखाते हैं ये व्यू, यार व्यू चेक करें कसम से, कमाल का व्यू है। लेकिन हम यहाँ मुजफ्फराबाद में कब से पहुँचे हैं और अब तक हमारे होटल का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ क्योंकि हमने बुकिंग की नहीं थी। और यहाँ पहुँच कर यार कोई एक भी ढंग का होटल नहीं है जो हम लें। बाकी है क्या ही बात है यार, क्या व्यू है। मिली, हमने जो है अपना रूम ले लिया। रूम कुछ इस तरीके का है, बड़ी मुश्किल से मिला है, क्विट एक्सपेंसिव, बट इस व्यू की वजह से और जितना हम थक गए थे ना उसके बाद हमने कहा कि यार चलो ले लेते हैं क्योंकि बस हमने नाइट स्टे करना है, सुबह फिर हम यहाँ से आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। तो बस इस व्यू की वजह से हमने सोचा कि ले। तो जी ये है इनका मज़ेदार सा रेस्टोरेंट का व्यू, एक ऊपर के साइड पर भी है पर हम बहुत थक गए थे तो और कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो बस अभी तक के लिए यही,